नमस्कार दोस्तों, आप सभी स्वागत है टेक्निक जोशी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं लेकर आ रहा हूं दोस्तों कैनन का इमेज रनर 2202N 2202 नंबर का प्रिंटर है। यहां पे मैं मल्टी फंक्शन यहां पे मेरे सामने ये प्रिंटर बिल्कुल ठीक है तो, लेकिन दोस्तों आपका कमेंट में जो आ रहा है इंसर्ट ड्रम होने के बाद, इंसर्ट ड्रम जब इरर आएगा आपका प्रिंटर में, उसको समाधान हम किस तरह से किया जाता है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला, ठीक है। तो उसका सभी सवाल का जवाब मैं आपका ये वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे सामने प्रिंटर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरे सामने ये प्रिंटर है, इसमें दिखा रहा है कि इमेज, इसमें दिखा रहा है कि आपको इंसर्ट ड्रम, जब इस प्रिंटर में इंसर्ट ड्रम दिखाएगा। यहाँ पे देखिए, अभी तो मेरे प्रिंटर बिल्कुल रेडी है, तो रेडी है लेकिन सब कुछ ठीक है। तो मैं ओनली वन टिप्स बताने वाला हूँ यहाँ पे, ओनली वन मैं यहाँ पे आपको जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। तो जब इंसर्ट ड्रम कहेगा तो यहाँ पे देखिए, मैं लेफ्ट कवर खोल दिया, यहाँ पे इस तरह से दिखोगी, यहाँ पे हमारा यहाँ पे ड्रम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है फ्रंट कवर, ये फ्रंट कवर खोलने के बाद हम ये वाला लॉक को इस तरह से दबाओगे, और यहाँ पे इतने दबाने के बाद यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको सिंपली इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से खुलने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह से ये निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये देखिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये इंसर्ट ड्रम करवाने वाला और ड्रम डिटेक्शन का सेंसर है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जब आप ड्रम निकालने के बाद और खोलने के बाद और किसी भी तरीके से ये जब टूट जाएगा और ये यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे इंसर्ट ड्रम दिखाएगा, ठीक है। तो और देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये भाग है, ये वाला पार्ट है, यहाँ पे जब वहाँ का स्प्रिंग यहाँ पे टच नहीं होने के बाद भी इंसर्ट ड्रम दिखाता है, ठीक है। तो दोस्तों और एक तो ये है दोस्तों, ये यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होता है, और ये स्प्रिंग डालने में जब भूल जाओगे और ये टूट जाएगा और ये छूट जाएगा कहीं भी, और इधर खोलने के बाद ये नहीं फिट करोगे यहाँ पे, तो ये इस तरह का इरर आएगा, ठीक है। तो और दूसरे दोस्तों, ये जहाँ पे लगता है वहाँ एक सेंसर होता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक सेंसर होता है, यहाँ देखिए, ये यहाँ पर एक सेंसर है, ये सेंसर यहाँ पर, इस सेंसर को यहाँ पर यहाँ से इस तरह का इस साइड वाला और इस साइड वाला पूरी तरह से खोल के उसको चेक करना होगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए ये इतनी सिंपल जानकारी दे रहा हूँ, इतने करने के बाद ये टेस्ट करना, और उसको यहाँ पे जो सेंसर है यहाँ इसको डिटेक्ट करने वाला सेंसर, उसको हम रिप्लेस कर देना होगा दोस्तों, ठीक है। उतने करने के बाद दोस्तों आपका प्रिंटर ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, बाय बाय।